गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और यू? आई एम फाइन सर। ओके गुड। आपके साथी भी नहीं आए? आएंगे सर। क्लास शुरू करते हैं, एक दो मिनट आप साथी भी आपके आ जाए, फिर प्रॉपर क्लास को शुरू करते हैं। आपने काम में भेज दिया था ना जवाब? यस सर। वो देखा, मैं आपको देखता हूँ केयरफुली जो है। अच्छा ये बताएं मुझे, जवाब के कल का जो लेसन है उसके वजह से कोई प्रॉब्लम है वो मुझे बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं शुएब? आप ठीक हैं? आप खैरियत से हैं? नहीं सर, फिर समझ आ गई थी बाद में। अच्छा अच्छा कोई सर, आई एम नाइस सर, आप ठीक हैं? क्या कह रहे हैं? ये नेगेटिव उसका तरीका कार मैं आपको बताया था कि पहले टेंस आप बनाएंगे। जी यस सर। पहले आप टेंस जो है करेंगे टेंस में, और फिर चेंज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, फिर करेंगे इंटरोगेटिव। इस तरह आपको आसानी हो जाती है। ठीक है, इस तरह आपको आसानी हो जाती है, क्योंकि आपके जो ये जो है ना नेगेटिव जो सेंटेंसेस की जो हेल्पिंग वर्ड हैं यही आपके शुरू में आ जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, नॉट को आप निकाल देते हैं तो सिंपल वो बन जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको बताया था कि अगर उसको चेंज करेंगे आप नेगेटिव सेंटेंस में, तो आपने क्या करना है कि ही शी और इट अगर प्रोनाउंस होंगे तो वहां पे आपने डज नॉट लगाना है, जैसे ही गोज टू ऑफिस, ही डज नॉट गो टू ऑफिस। Yes. इसका जब हम चेंज इंटरोगेटिव में डज ही गो टू ऑफिस, तो वो जो है ई एस हट जाएगा, वो डू के साथ ई एस लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव जो है सेंटेंस में आखिर में आ जाएगा। इस तरह जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तमाम जो है प्रोनाउन के साथ नेगेटिव सेंटेंस में आपने डिड नॉट लगाना है, और जब आप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आप डिड को शुरू में ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे और एंड पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल होगा। He went to office. He did not go to office. Did he go to office? क्योंकि did verb की खुद second form है, इसलिए हम दोबारा verb second form का इस्तेमाल नहीं करते, फिर हम first form ले आते हैं, यानी कि went को हम go में change कर देते हैं। तो ये है चीजें सारी। इसी तरह जैसे कि he read a book, उसने किताब पढ़ी। He read a book, उसने किताब पढ़ी। Did he read a book? फिर हम पहली form ले आएंगे, क्या उसने किताब पढ़ी? और जो नेगेटिव में करेंगे ही डिड नॉट रीड अ बुक, उसने किताब नहीं पढ़ी। डिड ही रीड अ बुक, क्या उसने किताब पढ़ी? क्वेश्चन मार्क इस तरह। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को समझने के लिए आपके टेंसेस बहुत पक्के होने चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस भी आपके, यानी कि तभी आपने सीखे हैं क्योंकि आपके टेंसेस थोड़े बेहतर थे। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको सेंटेंस समझ आए क्योंकि आपके कुछ टेंसेस बेहतर थे, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में तो टेंसेस आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, बेहतरीन पक्की पूरी ग्रिप होनी चाहिए टेंसेस के ऊपर, फिर आपको ये समझ आएंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ओके सर।
तो इसके लिए मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस करने के लिए कि आप एक टेंस दूसरे दूसरे टेंस में चेंज किया करें, अगर आप इसमें एक्सपर्ट बने टेंस तो उस पर अमल करेंगे तो कामयाब रहेंगे आप। तो आज सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट यू नो यू नो रूल्स रिगार्डिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यू हैव टू राइट रूल्स रिगार्डिंग एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। लेट यू स्टार्ट नाउ। आज रूल्स करेंगे हम, आज हम रूल करेंगे और थोड़ा बहुत एग्जाम्पल कर लेंगे। अगर टाइम ना हुआ तो कल हम फिर, कल तो छुट्टी आ गई आपकी, कल तो 25 दिसंबर है, तो परसों जो है फिर हम इसको आगे लेके जाएंगे। दो दिन क्लास होती है एक्टिव पैसिव वॉइस की, ठीक है? चलें जी, बेसिक रूल्स, लेट यू स्टार्ट नाउ। बेसिक रूल्स, बेसिक रूल्स, फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट, यस सर, वी मेक मेक वी मेक सिंपल सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। वी मेक सिंपल सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। नंबर टू वॉइस एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस इट इज रिटन ऑन व्हाइट बोर्ड, यू कैन सी हियर एक्टिव वॉइस। ओके, एंड रूल नंबर टू, वी make difficult sentence in the passive voice. We use difficult sentence in the passive voice. Difficult. We make difficult sentence. Sentence in the passive voice. Next rule number three, number third. There are two methods of talking. There are two methods of talking. Of talking. Talking. There are two methods of talking. Talking. T A L K I N G. There are two methods of talking. Yes. Next rule. In active voice, we adopt simple way of talking. In active voice, we adopt simple way of talking. Adopt की spelling sir? Adopt A D O P T. A D O P T. Adopt means use. Use. Adopt means use. A D O P T. Active voice. Did you write now? Yes sir. Me of talking लिख लिया. Okay. You adopt क्या ही क्या sir? मैंने आपको बोला है सिंपल वे ऑफ टॉकिंग, इजी वे ऑफ सिंपल वे ऑफ टॉकिंग। इन एक्टिव वॉइस वी अडॉप्ट सिंपल वे ऑफ टॉकिंग, यानी कि आपको मैं समझा दूंगा उर्दू में, पहले आप इंग्लिश में लिखते जाएं इसको। नेक्स्ट रूल नंबर फोर, वी अडॉप्ट difficult method of talking. We adopt difficult way of talking in the passive voice. We adopt difficult way of talking in the passive voice. Clear, sir. Okay.
नेक्स्ट नंबर फिफ्थ, नंबर नेक्स्ट नंबर, वी चेंज द प्लेसेस, वी चेंज द प्लेसेस ऑफ प्रोनाउंस एंड सब्जेक्ट्स, वी चेंज द प्लेसेस ऑफ प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्ट्स इन द पैसिव वॉइस. लिख लिया सर. इन द पैसिव वॉइस वी चेंज द प्लेसेस ऑफ प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट्स इन द पैसिव वॉइस. ओके सर. नेक्स्ट, ऑल सेंटेंसेस, ऑल सेंटेंसेस चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. All sentences change from active voice to passive voice. Next rule. Next rule. Bole sir. We can change two tenses from active voice to passive voice. We can change two tenses. Tenses. T-E-N-S-E-S. We can change. Sir, कौन सा two? T-W-O-2 या T-O-2? T-O, T-O. ठीक है सर. We can change two tenses from active voice to passive voice. Next, we cannot change three tenses from active voice to passive voice. We cannot change three tenses from active voice to passive voice, like we cannot change three tenses from active voice to passive voice, like matlab jaisa ke. Jawad, your mic is on. Please keep off your mic. If you have to talk, then you can on your mic. Thank you. आगे बोले सर. We cannot change three tenses from active voice to passive voice, like present perfect continuous tense, present perfect continuous tense, comma, past perfect continuous tense. And कौन सा tense बोले सर? Present perfect continuous tense. ये आखिरी tense है आपका. तीनों का आखिरी tense है. Present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, and future perfect continuous tense. We can't change three tenses from active voice to passive voice, like present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, and future perfect continuous tense. Next rule. We can change to nine tenses from active voice to passive voice. We can change to nine tenses from active voice to passive voice. Sir, we can nine tenses to active voice to passive voice. We can change to nine tenses. Nine. N-I-N-E. N-I-N-E. Nine tenses. Okay, sir. We can change to nine tenses from active voice to passive voice. Next point. We use third form of verb in the passive voice. We use third form of verb in the passive voice. Likh liya, sir. Next point. If we दोबारा repeat करें, we use third form of verb in the passive voice.
we use third form of verb in the passive voice. Okay, sir. Next. If we change to present indefinite tense, if we change to present indefinite tense, from active voice to passive voice, from active voice to passive voice, then we use is, then we use is likhe commas ke andar, you write is within commas. We use is before third form of verb. We use is before third form of verb. Next. We use is before form of verb. Before third form of verb. ये वाला point वापस. ये point वापस repeat करें सर एक बार. ये है. If we change to present indefinite tense from active voice to passive voice, then we use is before third form of verb. Sir, if we change to present indefinite tense from active voice to passive voice? If we change to present indefinite tense from active voice to passive voice, then we use is before third form of verb. Okay, sir. Next. Clear. Signal chale jaate. Next, if we change to present continuous tense from active voice to passive voice, then if we change to present continuous tense from active voice to passive voice, then we use is being. Then we use is being. B-E-I-N-G, before third form of verb. We present continuous. If we change present continuous tense. If we change to present continuous tense from active voice to passive voice, then we use is being. Is being before third form of verb. Is being before third form of verb. Clear, then we use. Next, if we change to present perfect tense from active voice to passive voice, if we change to present perfect tense from active voice to passive voice, then we use. Okay. Then we use. Has been. Then we use has been before third form of verb. Then we use has been before third form of verb. Clear. Next, if we change to past indefinite tense from active voice to passive voice, if we use. Sorry, if we change to past indefinite tense from active voice to passive voice, then we use was before third form of verb. We use was before third form of verb. Next. Noted? Then we use before. Yes, sir. Noted, sir. Then, okay. If we change to past indefinite tense from active voice to passive voice, then we use was before third form of verb.
नोटेड नोटेड सर, आगे बोले. नेक्स्ट, इफ वी चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, देन इफ वी चेंज टू past continuous tense from active voice to passive voice, then we use was being before third form of verb. Then we use was being before third form of verb. Sir, was being ya was being? Was being, B-E-I-N-G. जैसे आपके present continuous tense का वो change किया था हमने. पैसिव वॉइस में तो वही बीइंग है, बी ई आई एन जी, वही बीइंग यहां पे आ जाएगा, सिर्फ वहां से वहां इस तरह यहां बाद आ गया. वाज बीइंग बीन, देन वी यूज वाज बीन, आगे क्या? वी यूज वाज बीइंग बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके सर, चले आगे. इफ वी चेंज यस सर टू पास्ट परफेक्ट टेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, इफ वी चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, देन वी यूज हैड बीन, हैड बी डबल एन बीन, वी यूज हैड बीन बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बी डबल एन. We use had been before third form of verb. If we change to past perfect tense from active voice to passive voice, then we use had been before third form of verb. Likh liya sir. Next, if we change to future indefinite tense from active voice to passive voice, then we use will be before third form of verb. Then we use will be before third form of verb. Well been? Will be. B-E-B. Well be. Well be. We use will be before Yes, sir. Third form of verb. Will be. If we change to future continuous tense from active voice to passive voice, then we use will being before third form of verb. We use will being. Future continuous tense. Will being. कौन सा ये सर? Will being. Oh, no, sorry. Will be being. We use, if we change to future continuous tense from active voice to passive voice, then we use will be being. Will be being before third form of verb. Will be being. Yes, sir. Will be being. वहाँ पे will be था, पहले यहाँ पे will be के साथ being भी आ जाएगा. Okay? क्लियर? कौन सी फॉर्म है इसमें सर? जी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इफ वी चेंज टू क्लियर हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, देन वी यूज विल बी बीइंग बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ये जितने भी आपके एपिक वर्ब आ रहे हैं पैसिव वॉइस में, ये थर्ड फॉर्म से पहले आ रहे हैं, ये याद रखिएगा. ये पैसिव वॉइस के एपिक वर्ब है सारे पैसिव वॉइस के. नेक्स्ट, if we change to future perfect tense from active voice to passive voice, then we use will have been before third form of verb. Will have been before third form of verb. Will have been. We use will have been
बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या आपके नाइन टेंसेस आपके जो है उनके पैसिव वाइज के रूल्स हो गए हैं, ठीक है, रिपीट कर दो उसको, हो गया क्लियर? ओके सर, ओके। अब मैं एक बना रहा हूं टेबल, और एक तरफ एक्टिव वाइज और लिखूंगा एक तरफ पैसिव वाइज, आपको पता चलेगा जो तब्दीलियां क्या हो रही है पैसिव वाइज में, जो एक्टिव वाइज में क्या है और पैसिव वाइज में क्या तब्दीलियां हो रही हैं। ये टेबल आप नोट करें, आप बहुत अहम टेबल है ये, इसकी हेल्प से आप बड़ा कुछ जो इजीली आप पैसिव वाइज बना सकते हैं। नेक्स्ट रूल आप लिखें, एक तरफ बना लें एक्टिव वाइज लिखें, एक्टिव वाइज में अगर प्रोनाउन होंगे तो पैसिव वाइज में चेंज हो जाएंगे। एक्टिव वाइज एक तरफ खाना एक्टिव वाइज, और एक तरफ लिखें आप पैसिव वाइज। अगर यहां पर ही है एक्टिव वाइज में तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, हिम में, ही चेंज हो जाएगा हिम में, और ये आखिर में चला जाएगा, ही शुरू में है पैसिव वॉइस में आखिर में चला जाएगा, हिम चेंज होकर आखिर में चला जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में शी है तो यहां पर ही चला जाएगा हर में, पैसिव वॉइस में चला जाएगा हर में, लेकिन एंड पर आखिरी आखिर में चला जाएगा। जुमला खत्म होता है आपका। यहां पर अगर आपका आई है एक्टिव वॉइस में तो ये मी में चला जाएगा आखिर में, पैसिव वॉइस में आखिरी वर्ड ये आपका मी होगा, आई बी में चला जाएगा। दे जो है ये चला जाएगा देम में, दे जाएगा देम में, वी जाएगा अस में, वी जाएगा अस में, और जो यू है यू यू में ही रहेगा, यू चेंज नहीं होगा, यू यू ही में रहेगा, लेकिन आखिर में चला जाएगा। ही हिम में, शी हर में, आई मी में है, आई मी में है, दे देम में है, वी अस में है, यू यू में है। लिख लिया सर जी, ये ना आगे पीछे कर देना इसको, ही हिम में, शी हर में, आई मी में, दे देम में, वी अस में, यू यू में रहेगा। अब नेक्स्ट रूल लिखें, नेक्स्ट रूल लिखें, इन ऑल सेंटेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस, इन ऑल सेंटेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस, इन ऑल सेंटेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस, आगे सर, वी यूज बाय बिफोर changed pronouns, we use by before changed, तब्दील शुदा pronouns के से पहले हमने by लगाना है, जैसे कि by him, by her, by them, by him, by us, by you। लिख लिया आपने? Yes. In the sentences of passive voice, we use by before changed pronouns। ये लिखवाया मैंने आपको, तब शुदा pronoun से पहले by लगा देंगे, जैसे कि ये by him, by her, by me, by them, by us, by you, okay? Yes sir। या इसके साथ आप लिख लें, इसके साथ by लिख लें आप, by him, आपको आसानी हो जाएगी, by him, By her, by me, ये लिख लिया सर, by them, ये भी कर लें आप, ये भी कर सकते हैं आसानी के लिए, by us, पैसे वैसे yes. by us, by you, या शामिल करें टेबल में, कोई मसला नहीं है। He by him में चला जाएगा, she by her, I by me, they by them, we by us, you by you में चला जाएगा।
आखिर में एंड पे जुमला खत्म हो जाएगा यहाँ पे आके सेंटेंस। जी कितने रूल्स हो गए आपके पास, कितने रूल्स हो गए आपके पास? How many rules I noted you? अब थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, ये आपने मुझे होमवर्क करके मुझे भेजने हैं आपने, ठीक है? लाजमी दुआ लिखेंगे तो आपको जेहन में रहेंगे, तो कल हम यानी कि इसकी एग्जाम्पल शुरू कर देंगे कुछ, ताकि पहले आप रूल्स को फॉलो करें, रूल्स को समझें, ताकि कल एग्जाम्पल परसों एग्जाम्पल बनाने में मसला पेश ना आए, ठीक है ना? परसों एग्जाम्पल बनाने में मसला पेश ना आए, ये आपने मुझे होमवर्क करके मुझे भेजना है, सिर्फ एक दफा लिखेंगे आप और मुझे आप होमवर्क भेज देंगे इनका। बाकी सर ये इन ऑल सेंटेंसेस ओ पैसिव वाइज वी यूज बाय बिफोर चेंज प्रोनाउंस, इससे आगे कोई बोला है सर आपने? वो सिग्नल चले गए थे। नहीं इससे आगे कोई नहीं बोला। नहीं नहीं मैंने कोई नहीं बोला। ठीक है सर, वो मैंने आपको ये कहा है, मैं आपको अभी उर्दू में समझाता हूँ ना अभी आपको मामला सारा, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। देखें अब उर्दू आपको बता दूं क्या मामला है। देखें पहली बात यह है कि आपके टेंसेस बड़े अच्छे होने चाहिए, बेहतरीन टेंसेस होने चाहिए, पैसिव सीखने के लिए टेंसेस बेहतरीन होने चाहिए। बात करने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका आसान होता है, एक मुश्किल होता है। आसान तरीका एक्टिव वॉइस है और मुश्किल तरीका पैसिव वॉइस है। बात समझिए, बात करने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका आसान होता है, एक मुश्किल होता है। ओके अब वो क्या है वो तरीके, चलो मैं बाद में बताऊंगा वो जब एग्जाम्पल शुरू करेंगे हम। फिर मैंने आपको कहा जी के जो हैं टेंसेस हमेशा जो है वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील होते हैं, टेंसेस हमेशा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील किए जाते हैं, और नौ टेंसेस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, नाइन टेंसेस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन तीन टेंसेस को हम, ये आपके माइक को जरा ऑफ कर दें आप डिस्टर्बेंस हो रही क्लास में, थैंक यू। देखें मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नाइन टेंसेस जो ना हम उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन तीन टेंसेस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं कर सकते। वो तीन कौन से हैं जो नहीं कर सकते? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी कि प्रेजेंट का आखिरी टेंस, पास्ट का आखिरी टेंस, फ्यूचर का आखिरी टेंस को हम तीनों को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं कर सकते। बाकी जो आपके नाइन टेंसेस हैं, शुरू के प्रेजेंट के तीन, शुरू के पास्ट के तीन और शुरू के फ्यूचर के तीन, हम इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। अब इसमें एक मतलब पॉइंट रह गया, वो भी शामिल कर लें आप, मतलब एक पॉइंट मिस हुआ है वो भी लिख लें आप आखिर में एंड पर, लिखें जरा, फिर मैं आपको फिर समझाता हूँ, यहीं से शुरू करता हूँ बात आगे। If we change the sentence from active voice to passive voice, if we change the sentence from active voice to passive voice, then three things are obligatory. Three things are obligatory. Subject, comma, verb, comma, object. ये तीन चीजें होनी लाजमी है एक्टिव पैसिव वॉइस करने के लिए। आपको सब्जेक्ट कोमा वर्ब कोमा ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें जो हैं होनी बहुत जरूरी हैं, फिर आप एक्टिव वॉइस पैसिव में तब्दील कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, इनमें से एक चीज भी कम हुई तो मसला बन जाएगा, वो चेंज नहीं होगा पैसिव वॉइस में। डिड यू नोट? यस सर, नोट कर लिए। ओके अब मैं वापस आ जाऊंगा, मैं बात आपसे कर रहा था टेंसेस के मामले में कि नाइन टेंसेस को हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं, तीन टेंसेस जो आखिरी है, जो तीनों का जो चौथा टेंस है, प्रेजेंट का चौथा, पास्ट का चौथा और फ्यूचर का चौथा जो टेंस है, वो हम एक्टिव पैसिव में तब्दील नहीं कर सकते। अब इसके बाद इनके हेल्पिंग वर्ब्स हैं,
वो आप रटा लगा लें कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से पैसिव वॉइस में लगेगा। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को जब हम चेंज करेंगे हम पैसिव वॉइस में, अगर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है वो बेसिकली एक्टिव वॉइस है, जब उसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो आपने जो है इज का इस्तेमाल करना है बतौर हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में। और तमाम पैसिव वॉइस जितने भी जुमले बनाएंगे पैसिव वॉइस के उसमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल लाजमी है, ना आप पहली फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं ना दूसरी, लेकिन तीसरी इस्तेमाल का इस्तेमाल करेंगे लाजमी तौर पे करेंगे। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल पैसिव वॉइस के जुमलों में लाजमी होता है, इसको हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, ये भी फार्मूले समझे इंग्लिश के, ये भी ठीक है। तो यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले इज लगाएंगे जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जब आप चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले इज बीइंग लगा देंगे, बी ई आई एन जी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज करेंगे आप पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैज बीन लगा देंगे। अगर आप पास्ट डेफिनेट टेंस को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आप वाज लगा देंगे। अगर आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले वाज बीइंग लगा देंगे। अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आप हैड बीन लगा देंगे। अगर आप फ्यूचर डेफिनेट टेंस को चेंज करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले विल भी लगा देंगे। अगर आप फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में एक्टिव पैसिव वॉइस में तो आप क्या करेंगे विल बी बीइंग लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले विल बी बीइंग। और अगर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को चेंज करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आप विल हैव बीन लगा देंगे, विल हैव बीन बी डबल ई एन। बहुत इंटरेस्टिंग है, मुश्किल चीज नहीं है। जैसे कि आपका जो है एक कुछ महीने के लिए बात करता हूं, चले पहले मैं कंप्लीट कर लूं फिर मैं वापस आता हूं उस तरफ। अच्छा, इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट आपके होते हैं वो चेंज हो जाते हैं पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में आपके सब्जेक्ट शुरू में आते हैं लेकिन पैसिव वॉइस में आखिर में चेंज होकर आखिर में चले जाते हैं, उनसे पहले बाई लग जाता है। और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आ जाता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट शुरू में ले आते हैं सब्जेक्ट को आखिर में लेके चले जाते हैं। जब एग्जाम्पल आप करेंगे आपको समझ आ जाएगी कि यानी कि जुमले का जो आखिरी हिस्सा है वो उल्टा हिसाब हो जाता है, आखिरी हिस्सा उठा के पहले ले आते हैं और पहला वाला आखिरी में चला जाता है पैसिव वॉइस में। ये भी आपको समझ आ जाएगी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, सब्जेक्ट जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाता है पैसिव वॉइस में और ऑब्जेक्ट जगह पे सब्जेक्ट आ जाता है। ये आपको जब एग्जाम्पल करेंगे आपको समझ आ जाएगी बात। फिर उसमें जो है प्रोनाउंस पैसिव वॉइस में चेंज हो जाते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जो है प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं, जैसे आई चला जाता है मी में, ही में चला जाता है, शी हर में चला जाता है, दे देम में चला जाता है, वी अस में चला जाता है, यू में रहता है, लेकिन उससे पहले हम बाई यू लगा देते, उससे पहले बाई लगा देते हैं बी वाई। अच्छा, अब मैं जब बात कर रहा था तो मैंने कहा पहले कंप्लीट बात हो जाए फिर वापस आते हैं उस तरफ, वो मैं ये बात आपसे कर रहा जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम लगाया इज बीइंग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में हमने लगाया इज बीइंग, लेकिन पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में हम लगाएंगे वाज बीइंग। इसको उठा के वाज लगा दें बाकी ऐसे कैसे रहेगा सब कुछ, थर्ड फॉर्म तो लगेगी सबके साथ पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में इज बीइंग था, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में वाज बीइंग आ जाएगा। फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कि पैसिव वॉइस में विल बी बीइंग आ जाएगा, बीइंग सब में लगा हुआ है देख लें आप, बी ई आई एन जी कंटीन्यूअस के तीनों पैसिव वॉइस में लगा हुआ है। फिर दूसरी बात समझने वाली क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने जब चेंज किया पैसिव वॉइस में आप अपने हैज बीन लगा दिया बी डबल ई एन हैज बीन, लेकिन जब आपने जो चेंज किया है ये पास्ट जो आपका परफेक्ट टेंस है उसको चेंज किया पैसिव वॉइस में तो आपने वहां पर हैड बीन लगा दिया, आपने हैज यहाँ पे हैड लगा दिया, बाकी बीन लगा रहा बी डबल ई एन, बाकी ऐसे रहा सब कुछ। फिर आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को चेंज किया आपने पैसिव वॉइस में तो आपने विल हैव बीन लगा दिया बी डबल ई एन, विल हैव लगा रहा बीन लगा दिया आपने, जैसे कि आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में और पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में लगाया था। ये चीजें प्रैक्टिस करने से बहुत इंशाल्लाह एग्जांपल करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा सारा मामला, कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस आपकी। सर जब प्रेजेंट डेफिनेट में सिर्फ इज ही यूज करेंगे सारे, उसके साथ कोई और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हो सकता?
नहीं समझा बात, फिर बोलें क्या कहा आपने, रिपीट करें बात को, सवाल रिपीट करें। सर सर जैसे आपने बताया कि पैसिवाइज में इसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी, तो इजी लगेगा और उसमें पैसिवाइज में बिल्कुल लगेगा, उसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हो सकता। हाँ अगर जमा हुए ना, जमा में अगर हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा हुए तो फिर आप आर लगा सकते हैं वहां पर। यस सर, अमोन ऑब्जेक्ट एक ही होता है, अगर ज्यादा होंगे तो वहां पे आर लग जाएगा, ऑब्जेक्ट ज्यादा हुए तो आर लग जाएगा, ठीक है ना। ओके ठीक है सर जी, दूसरा सवाल पूछे, शाबाश पूछे सवाल, सवाल पूछेंगे तो समझ आएगी बात आपको। जी जवाब, जवाब समझ आ रहा है कुछ मामला, ये रूल्स को अगर आप अच्छी तरह कर लेंगे ना दोनों आप, तो एग्जांपल करने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। यस सर, ये रूल को रटा लगा लें आप, ये रटा लगा लें इसको, ठीक है ना। यस ओके सर, सर ये लास्ट वाला जो आपने रूल लिखवाया है ना वो लिख लें, लिख तो लें आप, इसमें सर, लिख लें लिख लें, ये लिखें, ये जो है ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ से जो वर्ब है सर, ये हेल्पिंग वर्ब है या फॉर्म ऑफ वर्ब है? नहीं वो तो वर्ब की फॉर्म ही होगी ना, कोई वर्ब की फॉर्म लगेगी ना वहां पर आकर प्रेजेंट, ये आपके जो टेंसेस हैं इनमें तीनों चीजें इस्तेमाल हुई हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इससे सब टेंसेस में आपकी तीनें पाई जाती हैं, ठीक है, इसलिए तो वो चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, ये तो वजह है, तीनों का इस्तेमाल होना, तीनों का होना जरूरी है एक्टिव वॉइस में से पैसिव में चेंज करने के लिए। आप ये आखिरी रूल शामिल कर लें जो मैंने आपको कहा, साइड चेंज हो जाएंगे वो भी लिख लें आप, वो रूल लिख लें आप, मैं आपको लिखवाता हूं, इफ वी चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, इफ वी चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस देन, इफ वी चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस देन, देन वी चेंज द प्लेसेस ऑफ subject and object, then we change the places of subject and object, बस सीधे सीधा हो गया मामला अब आपका। रिपीट कर दूं क्या लिख लिया आपने? सर इफ वी चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव, देन वी चेंज द, देन वी चेंज द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, बस ये है। आप एक काम करते हैं, ठीक है ना, एक काम बड़ा मजे का मैं आपसे पूछता हूं ना, आपको याद हो जाएगा इस तरह, ठीक है, शुएब से सवाल पूछूंगा, जब आप इसे देख के मुझे बता दें कोई मसला नहीं है, जबानी नहीं, ये तो नहीं बता सकते आप, प्रैक्टिस अभी आपकी हो रही है, मैं पहले पूछता हूँ जवाद से, ठीक है जवाद? यस सर, हम ये बताएं कि अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करें पैसिव वॉइस में तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? आप बता दें शुएब, नहीं समझ आ रही आप क्या कहते हो, उसमें आवाज आ रहा है, आवाज वर्ब थर्ड में पहले आपका वर्ब यूज हो रहा है जैसे कि टेंसेस में होता है आपका, ठीक है ना, पैसिव वॉइस में आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है हेल्पिंग वर्ब वो वाज है, जी शुएब और जवाद? यस सर, आवाज कट रही है इस वजह से, यार सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहे हैं पैसिव वॉइस में, बाकी तो वो टेंसेस वाला मामला ही है, उसके हेल्पिंग वर्ब और हैं इसके और हैं, ठीक है ना, हमेशा आप वर्ब की फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना, वही रूल है, बस वही चीज हो गई, उनको रटा लगा लें आप। यस सर,
रटा लगाएंगे याद हो जाएगा सर। हाँ रटा टेबल बना ले इसका पूरा, एक पर टेबल बना लें इनका हेल्पिंग वर्ब का पैसिव वॉइस के, ठीक है ना। टेंस का नाम लिखें, पैसिव वॉइस लिखें, उसका टेबल बना लें, तो यू कैन। हाँ ये बहुत आसान चीज है, वो मुश्किल चीज़ है, प्रैक्टिस करने बेहतरीन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। ये कहाँ चला गया जवाब? सिग्नल का प्रॉब्लम हो गया सर, उसका भी मेरा भी है बहुत, सिग्नल का इशू है, पर ठीक है फिर क्लास को हम स्टार्ट ही करते हैं। तो ये प्रैक्टिस करके मुझे भेजिएगा, तो इंशाल्लाह परसों फिर क्लास होगी आपकी, कल छुट्टी आ गई है। ओके ओके सर। अच्छा यार प्रैक्टिस करें, रटा लगा लें, इसका टेबल बनाएं, ताकि परसों जब हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल दिस की तो आपको मसला पेश ना आए, ठीक है। ओके सर तो उसी चीज़ से क्लास खत्म करते हैं, तो क्योंकि वो सिग्नल इशू भी आ रहा है, तो परसों करेंगे इंशाल्लाह। ओके क्लास इज गोइंग टू एंड नाउ, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़। विश यू गुड लक सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।